इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, बैकफिल्टर क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है, बैकफिल्टर का वर्किंग कैसा होता है और इसे इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस जुगाड़ के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले बैकफिल्टर के बारे में जान लेते हैं, तभी हम उस जुगाड़ के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। बैकफिल्टर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो बैक की मदद से एयर को फिल्टर करता है। इसका इंडस्ट्री में यूज़ पोल्यूटेड एयर को फिल्टर करने के लिए होता है और पाउडर प्लांट्स में भी इसका यूज़ होता है पाउडर पार्टिकल्स को एयर से अलग करने के लिए। अब हम थोड़ा इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे। ये है इनलेट नोज़ल, यहाँ से पार्टिकल मिक्स्ड एयर एंटर करती है, वहाँ से ये एयर हॉपर में और फिर चैम्बर में एंटर करती है। येलो कलर में जो दिखाई है वो फिल्टर बैग्स है। ये बैग्स इस ट्यूब शीट में लगाई गई है। ट्यूब शीट के ऊपर एयर हेडर लगाया गया है और इसमें से पल्सिंग पाइप जाते हैं। अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ट्यूब शीट में फिल्टर बैग्स किस तरह से लगी हुई। हम सबसे पहले फ़िल्टर बैग्स के बारे में समझ लेंगे। ये जो वाइट कलर में दिख रही है वो है हमारे फ़िल्टर बैग और उसके अंदर केज है। केज के वजह से फ़िल्टर बैग को स्ट्रेंथ मिलती है और वो सीधी खड़ी रहने में मदद करती है। इस पिक्चर को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ट्यूब शीट में फ़िल्टर बैग फिट होती है और केजेस भी उसमें लगाए जाते हैं। अब इस बैक फिल्टर का मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। हमारी जो पोल्यूटेड एयर है वो इस बैग में से पास हो जाती है और प्योर एयर आगे निकल जाती है और पोल्यूटेड पार्टिकल्स इस बैग में अटक जाते हैं। पर इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर पोल्यूटेड पार्टिकल ऐसे ही सैचुरेट होते जाएंगे बैग पे तो कुछ दिनों बाद बैग्स ख़राब हो जाएगी या काम करना बंद कर देगी। इसीलिए ऊपर एयर हेडर दिया गया है। यह एयर हेडर थेरेविक इंटरवल के बाद एयर को हाई प्रेशर से पास करता है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्यूब शीट के सारे होल्स के ऊपर से पल्सिंग पाइप पास हो रहे हैं। हर होल के बराबर सेंटर में पल्सिंग पाइप को एक छेद किया हुआ होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम एयर हेडर से हाई प्रेशर्ड एयर पास करते हैं वो पल्सिंग पाइप के हर छेद में से अपने आप ट्यूब शीट के होल में चली जाती है, वो भी हाई प्रेशर से। उसके वजह से फिल्टर बैग में एक झटका सा लगता है और उसकी वजह से जो भी कार्बन पार्टिकल उन फिल्टर बैग्स पे जमा हुए होते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं और फिर से एक बार प्रोसेस चालू हो जाती है। लेकिन इसके लिए पल्सिंग पाइप का होल और ट्यूब शीट का होल बराबर सेंटर में आना ज़रूरी होता है और इसे चेक करने के लिए हम उस जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। अगर हमारा होल ट्यूब शीट के होल को मैच नहीं होगा तो एयर अच्छे से पास नहीं होगी और इससे हमारे फ़िल्टर बैग्स जल्दी ख़राब हो सकती है। इसके लिए होल का बराबर सेंटर में आना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।